क्लास टेंथ साइंस, इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइंड एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। अगर एक बार हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई तो हम किसी भी फिजिकल मेथड की हेल्प से उसे वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास फिजिकल मेथड क्या क्या है, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे, मैग्नेटिज्म है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है एंड फिल्ट्रेशन है। उसके बाद बात आती है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम क्या क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है वो होती है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है हो गई है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, चेंज इन स्टेट। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि होगी या नहीं होगी, ये है डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसी है, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन की स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे कि प्रोडक्ट मान लिया हमारे पास सॉलिड है तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास प्रोडक्ट भी सॉलिड है, यानी कि अगर रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड है तो ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट भी सॉलिड ही आए, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। चेंज इन कलर, जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है उसका कलर पिंक है तो उसका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो हो सकता है कि येलो मिल जाए या ग्रीन मिल जाए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, यानी कि चेंज होगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है सेम एज इट इज़ पिंक मिल जाए, ठीक है। तो यानी कि लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा अगर इनमें से, जैसे कि टेम्परेचर भी चेंज ना हो और गैस भी ना निकले, ठीक है। यानी कि कम से कम एक जो चेंज है वो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है वो हुई है, ठीक है। यानी कि कलर चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर था हमारे रिएक्टेंट का, ठीक है, कि हो सकता है जो टेम्परेचर रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट से वेरी करे, ठीक है। यानी कि जो टेम्परेचर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से अलग हो। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, ठीक है, यानी कि जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी रिएक्टेंट से तो कोई ना कोई गैस है वो निकल सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम डेली लाइफ है उसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम रेस्पिरेशन, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, यानी कि लोहे का जंग लगना, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास कोई भी लोहे का कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर एक हल्की सी परत जम जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि जो दूध है उसे दही का जमना भी हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे शरीर में हम भोजन खाते हैं उसका पचना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि उसमें जो हम यूज कर रहे हैं बार बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये एक्चुअल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या हैं। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास सब्सटेंस है वो टेक पार्ट करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट। उसके बाद है प्रोडक्ट, यानी कि सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो भी हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जो भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट। इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, लेते हैं जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्टिविटी 1.1 से, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। उसमें क्या होगा, मेरे पास जो मैग्नीशियम है वो क्या है, एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और जो हमारे पास एयर है यानी कि ऑक्सीजन है वो भी हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इनकी मैग्नीशियम हमारे पास रिएक्टेंट होगा और मैग्नीशियम रिबन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, एयर भी रिएक्टेंट है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जब मैग्नीशियम को हम एयर की प्रेजेंस में उसको जलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो इसमें मैग्नीशियम है और जो एयर है वो किसका काम करेंगे, रिएक्टेंट का, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट, कैसे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन केमिकल इक्वेशन वी यूज सिंबल ऑफ सब्सटेंस
ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो हम उस सब्सटेंस के क्या यूज करेंगे, सिंबल्स को, ठीक है, रिएक्टेंट के भी सिंबल्स का यूज करेंगे और प्रोडक्ट के भी सिंबल का, और साथ में क्या मेंशन कर देंगे, उसकी फिजिकल स्टेट। हमें पता है फिजिकल स्टेट हमारे पास क्या क्या होती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है और एक्वस फॉर्म में हो सकते हैं। सॉलिड के लिए हम एस का यूज करेंगे, लिक्विड के लिए हम सिंपली एल का यूज करेंगे, गैस के लिए हम जी का यूज करेंगे और एक्वस के लिए ए क्यू। जो एक्वस फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जब किसी भी सॉल्यूशन में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो, वाटर, यानी कि जब भी हमारे पास वाटर सॉल्वेंट होगा तो हमारे पास वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास एक्टिविटी 1.1 है एनसीईआरटी की, जो उसमें मैग्नीशियम रिबन का एयर में बर्निंग थी, उसकी वजह से हमें क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम को क्या लिख देंगे, Mg, ऑक्सीजन यानी कि जो एयर है जिसकी हेल्प से मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ उसको हम लिखेंगे O2, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या होगा, MgO, ठीक है। अब साथ में हम इसकी स्टेट भी लिख देंगे केमिकल इक्वेशन की, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है वो रिबन क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ऑक्सीजन है, गैस है, तो उसके लिए हम लिखेंगे जी, और जो MgO क्या है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन एक रिबन की फॉर्म में, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन यानी कि गैस की हेल्प से ये जलेगा हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने सिंपली ब्रैकेट्स में रख लिया, ठीक है। ब्रैकेट्स में रखने के बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो दोनों साइड सेम है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे इसका एक मॉलिक्यूल है, इस तरफ भी एक है, ठीक है। अभी इसको दो को एक बार इग्नोर करो, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है इसका इस तरफ दो है लेकिन इस तरफ एक है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ बैलेंस हो गए लेकिन मैग्नीशियम का क्या हुआ, यहाँ पे तो दो हो गए लेकिन यहाँ पे सिंपली एक रह गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये इक्वेशन है हमारे पास क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। अब ये तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन थी, अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दे, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। उसको हम इजिली बैलेंस कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो देखते हैं एक अनदर एग्जांपल किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास आयरन और वाटर की हमने रिएक्शन की और हमको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेम वही मेथड करेंगे, सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, साथ में इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास सॉलिड है, और ये हमारे पास क्या है, गैस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, पहले हमने ना एक यहाँ पे टेबल बना ली है इसको इजीली समझने के लिए, ठीक है। एलिमेंट रखे हैं, रिएक्टेंट रखे हैं एंड प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि दोनों तरफ हैं जो आयरन कितने हैं, ठीक है। रिएक्टेंट की तरफ आयरन के कितने नंबर हैं, 1, प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, 3, ठीक है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट की तरफ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, 2 ही हैं यहाँ पे हमें। अब देखते हैं ऑक्सीजन के जो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, अब इस टेबल की हेल्प से हम इजिली इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम हाइड्रोजन तो देखो दोनों तरफ सेम है, तो इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, उसके बाद चलेंगे हम सीधा ऑक्सीजन पे। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए हम रिएक्टेंट की साइड हमारे पास सिंपली कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हो गए, बैलेंस हो गए, इस तरफ हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, इस तरफ तो हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 4 to the 8, यानी कि अब हमारे पास रिएक्टेंट में चेंज हो गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 8 है, लेकिन इस तरफ अभी हमारे पास कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, बैलेंस, ठीक है। अब देखो एक बार इसको क्लियरली लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी उसको हमने क्लियरली लिख लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स आयरन के हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के हो गए, और जो हमारे पास फेरिक
ऑक्साइड है उसको हमने हमको चेंज करने की जरूरत है नहीं, और उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है उसके मॉलिक्यूल कितने हो गए 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बार और देख लेते हैं कि जैसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, जितने भी हमारे पास इसमें सब्सटेंस हैं, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड है चाहे वो प्रोडक्ट की साइड, उनको क्या करेंगे सिंपली ब्रैकेट्स में लिख लिया। उसके बाद हम इसकी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर हमारे पास सिंपलेस्ट है तो उसको हम ईजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रही तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्मेशन कर लेंगे ताकि हम अच्छे से उसको सोल्व कर सकें। एक हम लिखेंगे एलिमेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमने जैसे इसमें आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इसको लिखा, पहले लिख लिया जो हमारे पास रिएक्टेंट की साइड इसके मॉलिक्यूल थे और जो प्रोडक्ट की साइड थे। फिर इसको बैलेंस करने के लिए देखेंगे जो हमारे पास सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो इस तरफ जैसे हमारे पास इस तरफ 3 थे, इस तरफ 1 भी नहीं था, ठीक है। इक्वल करने के लिए क्या क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हमने हाइड्रोजन के शुरू में, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था कि बिल्कुल इक्वल थे, इसको हमने शुरू में कुछ टच नहीं किया, उसके बाद सीधा हम चले थे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के इस तरफ थे हमारे पास 1 और इस तरफ थे 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन का हमारा मामला गड़बड़ा गया, तो इसको यहाँ पे हमारे पास 8 हो गए। तो इसके इसको बराबर करने के लिए इस तरफ हमको हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी कि इस तरफ भी 8 मॉलिक्यूल हो गए। और हमने फिर ये लिखी थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैटर, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो उनको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते, ठीक है। यानी जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के, दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड हो या प्रोडक्ट, यानी कि दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। आज के लिए, कल देखेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।